नमस्कार, वेलकम टू नमिताज गोल्डन किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी सूजी फिंगर्स। ये बिल्कुल खाली नमक के बनेंगे, क्योंकि बच्चों के हिसाब से मैं आज बना रही हूँ। बच्चों को नमक के खाली बहुत टेस्टी लगते हैं, मिर्च मसाले वाले खाते नहीं हैं, तो आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ सिर्फ नमक के। आइए देखते हैं। देखिए, हमने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया। ये हम एक कटोरी सूजी का ये बनाएंगे। हमने एक कटोरी बारीक सूजी ले ली है। इसके लिए हमें चाहिए, एक कटोरी हमारी सूजी है तो हमें इसमें 1.25 कटोरी करीब हमें इसमें पानी चाहिए। तो ये 1 कटोरी पानी डाल दिया मैंने, और 1/4 कटोरी करीब और डाल दूंगी मैं पानी। और इस पानी में जब बॉल आ जाएगा तब मैं इसको सूजी इसमें डालूंगी। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1/2 चम्मच करीब नमक, और इसमें 2 चम्मच डालूंगी मैं इसमें ऑयल, 1 चम्मच, 2 चम्मच। अब इसको बॉईल आएगा तो हम इसमें सूजी डालेंगे। देखिए, मैं पानी में बॉईल आ गया। अब हम धीरे धीरे करके इसमें सूजी डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे। इसको लगातार चलाते रहना है, जिससे कि इसमें कुछ लम्स वगैरह ना पड़े। इसको अच्छे से चलाना है। देखिए, सारा पानी एब्जॉर्ब हो गया। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे कि स्टीम में ये और सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, 1 कप सूजी के साथ हमें 2 मीडियम साइज़ के आलू चाहिए होगा। ये हमारे 2 आलू छोटे थे, इसलिए हमें 2 आलू ले लिए, तो ये 2 टोटल आलू हो गए। अब हम इनको जो है कद्दूकस में इसको हम ग्रेट कर लेंगे। हाथ से मैश नहीं करना है, क्योंकि मैश करने से इसमें गुठलियाँ आ जाती हैं, जो कि हमें लम्स बिल्कुल नहीं चाहिए, इसमें एकदम चिकना चाहिए। इसलिए हम सारे आलू इसमें जो है ग्रेट कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, हमने आलू ग्रेट करके रख लिए। अब ये हमने देखते हैं, ये हमारी सूजी ठंडी हो गई होगी। अब हम इसको जो है थोड़ा ठंडा करके इसको निकाल लेते हैं परात में। इसको थोड़ा ठंडा होएगा तो हम इसको मैश करेंगे, और इसको अभी थोड़ी गर्म है। देखिए, हमारी सूजी ठंडी हो गई और हल्के गर्म रहेगी, तभी हम इसको अच्छे से मैश करेंगे, जिससे कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। एकदम इसको जैसे हाथ में हम इसके ऑयल लगा लेंगे, जिससे ये आसानी से हो जाएगी। देखिए, हमारी सूजी अच्छे से चिकनी हो गई है। अब हम इसे थोड़ा फैला लेंगे। अब हम इसे मिलाएंगे ये ग्रेटेड आलू। ये आलू मिला के इसमें डालते जाएंगे, उसको मिलाते जाएंगे। हमें आलू और सूजी को अच्छे से मिलाना है। थोड़े और आलू डाल दिए और उसको दोनों को अच्छे से मैश करेंगे। दोनों को एक दूसरे से अच्छे से मिल जाना चाहिए और हमारा चिकना एकदम डो बनना चाहिए। देखिए, मेरी सूजी और आलू दोनों मिलकर डो अच्छा से तैयार हो गया है। अब हम इसको मिलेंगे। ये हमने चॉपिंग बोर्ड में थोड़ा सा ग्रीसिंग कर लिए, थोड़ी सूखी सूजी डाल दिए। अब हम इसको इस पर रख के बेलेंगे। थोड़े बेलन पे भी हमने ऑयल लगा लिया। अब हम इसको बेलेंगे। जो साइड से अनइवन हो रहा है, पहले हम उसको निकाल देंगे। अब इसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे। अब देखिए, हम इसके अगर हमें जितने बड़े रखने हैं उस हिसाब से हम काटेंगे। पहले हम इसमें ऐसे पतले पतले लंबे काटेंगे। देखिए, हम सारे लंबे पतले काट लिए। अब इनको हम जिस साइज़ के रखने हैं उसके हिसाब से, अब देखिए हम इसको बीच में से भी काट लेते हैं। ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये देखिए, हमारे ये फिर एकदम तैयार है। ये
अब हम इसको कढ़ाई में तलेंगे। देखिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें ऑयल गर्म हो गया। अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे और इसमें एक एक करके ये डालते जाएंगे। एक साथ नहीं डालना है हमें, सीधे सीधे लंबे डालना है। देखिए मुड़ना नहीं चाहिए, अगर मुड़ेंगे तो फिर वो मुड़ जाएंगे, इसलिए हमें सीधे सीधे बनाने फिंगर्स, इसलिए सीधा सीधा डालेंगे। हमारे ये फ्राई हो गए हैं और हम इसको निकाल लेंगे, बहुत क्रिस्पी बने। हम प्लेट में इसको सर्व कर लेते हैं। इसी तरह हम सारे फ्राई करके और उसको निकाल लेंगे, फिर हम इसको सर्विंग के लिए हमारे तैयार हैं। देखिए मैं ये सूजी क्रिस्पी फिंगर्स तैयार हैं, और ये देखिए ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, देखिए कितना क्रिस्पी है, और ये देखिए तो अंदर से एकदम सॉफ्ट है और बहुत अच्छे लगेंगे बच्चों को खाने में, बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको थोड़ा चटपटा खाना है तो आप इसके ऊपर चाट मसाला या क्या कहते हैं मिर्च वगैरह डाल सकते हैं, और काली मिर्च डाल दें या चिली फ्लेक्स डाल दें, वो खाने में चटपटे अच्छे लगेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, टिल देन बाय।